देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। नैनीताल में सीजन के लिए सख्त ट्रैफिक व्यवस्था से नाराज व्यवसायियों ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है। उत्तराखंड सरकार और उसकी व्यवस्थाओं की बेरुखी के चलते नैनीताल पर्यटकों की पहली पसंद बनने से महरूम होता जा रहा है। यहाँ पार्किंग के अभाव में ट्रैफिक जाम पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। पुलिस की सख्ती के कारण पर्यटकों की संख्या लगातार घटती जा रही है, जो व्यवसायियों की चिंता बढ़ा रही है। देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार नैनीताल में पर्यटन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। यहाँ पहुँचे पर्यटक पिछले कुछ वर्षों से पुलिस और पार्किंग के कारण उपजी परेशानियों से त्रस्त होकर न खुद लौटकर आ रहे हैं और न ही दूसरों को यहाँ आने की सलाह दे रहे हैं। 1990 के दशक में कश्मीर में आतंकवाद के जन्म के बाद से कुमाऊं में पर्यटन लगातार बढ़ते गए। यहाँ की पर्यटन इंडस्ट्री ने धीरे धीरे अपने पैर पसारे। रोजगार की तलाश में बाहर जाने वालों को यही रोजगार मिलना शुरू हुआ। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति भी ठीक होती गई। सरकार ने क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए सड़कें और समस्याएं जस की तस बनी रही। पर्यटक स्थल बहुत कम विकसित हुए, जबकि गाड़ियां और होटल अनियंत्रित तरीके से बढ़ते गए। इससे पर्यटन का पूरा जोर 1.5 किलोमीटर लंबाई वाले नैनीताल के इर्द गिर्द पड़ा। सुंदर वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य और मृदुभाषी स्थानीय लोगों के कारण पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती गई। आज देश भर से अपनी गाड़ियों में यहाँ पहुँचे पर्यटकों को जाम के बाद होटल और फिर सुरक्षित पार्किंग तलाशने में इतना समय लग जाता है जितना उन्हें दिल्ली से यहाँ पहुँचने में नहीं लगता है। उत्तराखंड बनने के बाद नैनीताल में उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। यहाँ न्यायालय स्टाफ, जज स्टाफ, अधिवक्ता स्टाफ और अन्य मिलाकर कई हजार लोग बस गए। इसके अलावा कई प्रतिष्ठित स्कूलों की लोकप्रियता के कारण भी जनसंख्या बढ़ती गई। नैनीताल में सरकारी, पब्लिक और निजी स्तर पर मिलाकर कुल 2000 गाड़ियों के लिए पार्किंग का स्थान है। सरकार वर्षों से पार्किंग बनाने का केवल आश्वासन दे रही है। शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। सड़कों पर तैनात भारी पुलिस बल कुछ वाहनों के अलावा सभी वाहनों को एक पल के लिए भी सड़क पर खड़े नहीं होने दे रहा है। ऐसे में स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी हर काम करने में भारी मुश्किल देखने को मिल रही है। बीते वर्ष उच्च न्यायालय के निर्देशों पर जिला पुलिस ने पर्यटकों को काठगोदाम और काला ढूंगी में ही नैनीताल हाउसफुल का बोर्ड लगाकर रोक दिया था, जिससे नैनीताल के अधिकतर होटल आंशिक रूप से खाली रह गए थे। इस वर्ष भी महज 25 से 30 दिनों के मुख्य सीजन में कोई अव्यवस्था लागू होती है तो आने वाले समय में न केवल रोजगार कम होगा बल्कि पर्यटन से सरकार को कर के रूप में होने वाली राजस्व की आय में भी काफी गिरावट देखने को मिलेगी। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश शाह ने कहा कि अगर पुलिस प्रशासन ने इसी तरह पुलिस व्यवस्थाएं जारी रखी तो उन्हें आंदोलन के रास्ते पर चलना पड़ेगा। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि नगर में ट्रैफिक व्यवस्थाएं पिछले वर्ष की तरह ही जारी रखी जाए। ऐसा है, कल से मेरे पास शिकायतें आ रही हैं और आपको पता है नैनीताल एक टूरिस्ट टाउन है और हम कहते हैं अतिथि देवो भव। अगर जो रवैया इस समय चल रहा है पुलिस डिपार्टमेंट का, ऐसा कभी नहीं हुआ। टूरिस्ट बाहर से आता है, उसको यहाँ का क्या नियम है, क्या कानून है, उसको ये पता नहीं है। हमने पार्किंग का कोई इंतजाम नहीं किया हुआ है। कोई बाहर से आता है, गाड़ी रोकता है, सामान उतारेगा, सामान चढ़ाएगा, उसकी परमिशन आज तक हमेशा मिलती रही है। इस साल एक नया नियम लागू हो गया कि हम सब गाड़ी को मॉल रोड में खड़े नहीं हो जाएंगे। अगर ऐसा था, आप टूरिस्ट का आना ही बंद करा दीजिए ना। और अगर ऐसा होता है आइंदा, तो मैंने सोचा है हमारा एक नैनीताल नागरिक मंच भी है, उस मंच के तले हमें फिर मजबूरन कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, जो बंदी पे भी हो सकता है, उससे आगे भी हो सकता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि प्रशासन करे, पुलिस कंट्रोल ट्रैफिक करे, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन टूरिस्ट को कोई दिक्कत हो ये तो गलत बात है। टूरिस्ट आता है मनोरंजन के लिए, आप उसकी 2 सेकंड गाड़ी नहीं रुकती, आप उसका चलान कर देते हैं 200 का, 500 का, कोई उसमें रेट में कोई फिक्सेशन नहीं है। पौड़ी के कलजी खान विकास खंड के थापले गांव का दिव्यांग मनोज कुमार अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर इंसाफ के लिए भटक रहा है। मनोज अपनी शिकायत लेकर पौड़ी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, लेकिन जिलाधिकारी के न मिलने पर उप जिलाधिकारी के पास पहुंच इंसाफ की गुहार लगाई। आपको बता दें कि मनोज की दोनों आंखें नहीं है और उसकी पत्नी गर्भवती है। मनोज और उसकी पत्नी का आरोप है कि गांव के ही एक व्यक्ति ने उनके घर के आगे उनकी जमीन पर कब्जा कर घर के आगे मिट्टी का ढेर लगा दिया, जिसकी शिकायत उनके द्वारा पट्टी पटवारी को की गई। पटवारी ने मौके पर ना आकर मनोज और उसकी पत्नी को चौकी में बुलाकर धमकाया और उनके साथ
मारपीट की, जिसकी शिकायत मनोज के द्वारा उपजिलाधिकारी से करते हुए इंसाफ की मांग की। वहीं उपजिलाधिकारी योगेश कुमार ने मामले की जांच नायब तहसीलदार को सौंप दी है। एसडीएम का कहना है कि यदि मनोज व उसकी पत्नी के साथ पटवारी द्वारा अभद्रता की बात सत्य पाई गई तो पटवारी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। जमीन जायदाद के बारे में एप्लीकेशन और मैं एप्लीकेशन दी तो मैं वहाँ पे गया तो कल चौकी में हमें बुलाया गया तो उन्होंने मेरी तो कुछ सुनी नहीं ना, मुझे पूछताछ करा डायरेक्ट दोनों आए पटवारन भी और उसके जो चपरासी और मुझे मानने लगे, इसे मानने लगे। कम से कम जब मैंने एप्लीकेशन दी थी तो मुझे पूछताछ तो करते क्या बात हुई, कैसी बात हुई, किस लिए दी आपने। उसके कहने पर जो संपूर्ण नाम है उसके कहने पर उन्होंने डायरेक्ट हम पे मारपीट शुरू कर दी और डायरेक्ट बोल रही अंधा, वो भी क्यों कि उसने बोला तुरंत उसने ये बात छेड़ी कि शराब बनाता है। और जब किसी ने मुझे देखा ही तो कैसे सबूत पकड़े मैं शराब उसके कहने से। सिर्फ देखो ना, खास भाई भाई ने एक जमीन का टुकड़ा दिया होगा सपूत जी ने, उस जमीन के सामने इन्होंने किचन बना रखा, थोड़ी जो के आगे मिट्टी वो जगह थी ना वही जमीन उन्होंने जिससे ली थी हमने वही उसने ठाकर दूसरे को बेच दी, उसने भी ले ली वो जमीन। जब वो जमीन ली बेची तो हमसे कई दफा पूछ लेते ना कि जमीन मैं बेच रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक की तुम्हारी आएगी, पर उसने बिना पूछे हमसे वो जगह बेच दी। अब उन्होंने उस जमीन को खोद खाद के मतलब कि वहाँ से मिट्टी का ढेर लगा था, पानी का खोल रखा है। तो मेरी सास है बैरी, अब मुझे तो कुछ पता नहीं क्यों, मैं हूँ देसी लड़की, ये आंख नहीं देखते। मेरी सास ने बोला होगा कोई बात नहीं तुमने ये जगह घेर ली तो ये मिट्टी का ढेर हमारे दरवाजे के आगे से हटा दो कि ये मिट्टी का ढेर नहीं हटने का, तुम कहीं भी चले जाओ जिला अधिकारी चले जाओ अब अधिकारी के पास जाओ मिट्टी का ढेर हटेगा नहीं। अभी तक कल से अभी तक जब हम पटवारी के पास हमने एप्लीकेशन लिखी ना तो मान लो एप्लीकेशन भी हमारी और मार भी हम ही खाएंगे, हमने मार खानी और हमने एप्लीकेशन लिखानी, उसको तो कुछ कहा नहीं हमें जो मारा। मैं अपने लड़के को ले गई उसका हाथ टूट रखा, मेरे लड़के तो कुटाटा कि आग ना ऐसी मारूंगी तेरे माँ बाप के सामने तुझे भी, वो अभी तक हमारे साथ नहीं आया, फ्रैक्चर हो रखा उसके हाथ में। बताओ हम गरीब उसे नजर 10,000 बढ़े, हम गरीब आदमी साथ से भरेंगे बात, अगर इंसाफ की बात होती तो उसको भी मारते कि भाई तू इनके साथ दारू पी के आ रहा लड़ रहा। अब माँ गए और उसकी माँ मेरी सास से लड़ रही उल्टा जो बोल। मारपीट किसने की आपसे? मारपीट किसने की? मारपीट पटवारी ने करी हमसे, पटवारी ने मारा इनको भी और मुझे भी, मेरे लड़के तो कुछ डरा कि अगर अपनी माँ बाप के साथ आ गए तेरे को भी ऐसे ही मारेंगे, वो अभी तक हमारे साथ नहीं आया। उसका हाथ टूट रखा प्लस्तर चढ़वाने के लिए ला रही थी मैं उसको, मुझे उसके चपरासी ने मारा, वो भी नहीं आया मेरे साथ। बताओ हम कहाँ जाना। हाँ, इस तरह का एक मामला कल मेरे संज्ञान में आया था जिसमें एक विकलांग व्यक्ति और उसकी जो पत्नी है वो मेरे पास आए थे इस आशय का एक शिकायती पत्र लेके कि पटवारी के द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई है। इस संदर्भ में नायब तहसीलदार पौड़ी को अधिकृत किया है मैंने जांच के लिए और जो अगले तीन चार दिन के भीतर मुझे इसकी जांच देंगे और यदि पटवारी की लापरवाही संज्ञान में आती है तो उसके खिलाफ जो भी आवश्यक कार्रवाई बनती है वो की जाए। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांश जो कि पहाड़ी क्षेत्रों की सुंदरता के साथ साथ उसकी आर्थिकी के साथ पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी बना रहता है। इस बार बुरांश की पैदावार समय से पहले ही हो जाने से इसकी उत्पादकता क्षमता में निरंतर कमी दर्ज की जा रही है। मुख्यतः मार्च के आखिरी और अप्रैल में खिलने वाला बुरांश पिछले वर्षों से जनवरी माह में ही खिलने लगा है, जिसका मुख्य कारण जलवायु में आ रहे लगातार परिवर्तन बताए जा रहे हैं। लगातार बढ़ता गर्मी का स्तर इसके समय से पहले होने का मुख्य कारण बताया जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में बुरांश रोजगार के साथ स्वास्थ्य के लिए भी अति लाभकारी माना जाता है। इसके फूलों से जूस बनाकर पहाड़ी क्षेत्र के लोग अपनी आमदनी करते हैं, जबकि आयुर्वेदिक औषधि बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। हृदय संबंधी बीमारियों में इसके जूस का प्रयोग बहुत ही लाभकारी माना जाता है, मगर लगातार हो रहे जलवायु परिवर्तन के कारण बुरांश के फूल समय से पूर्व ही खिलने के कारण उनका संरक्षण लंबे समय तक नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण पहाड़ों की आर्थिकी और स्वास्थ्य के लिए अति लाभकारी बुरांश का फूल धीरे धीरे विलुप्त होने की कागार में जाने लगा है। अगर इसी तरह से जलवायु परिवर्तन जारी रहा तो आने वाले समय में बुरांश का फूल पहाड़ों से विलुप्त हो जाएगा। में बुरांश का बहुत ही महत्व है, जैसे बुरांश से औषधि बनाई जाती है, साथ में बुरांश से जो है कि जैसे गरीब लोग हैं तो उसका जूस बना के जो है कि वो अपने घर परिवार का पालन पोषण करते हैं और बुरांश से बहुत ही ज़्यादा औषधि और बुरांश जो है कि एक जंगलों में सौंदर्य का कारण भी है, जो है कि
पहाड़ी लोगों को जो आकर्षित करता है अपनी साइड में। फिर इसकी कम से आग लगनी है बहुत ज़्यादा, तो इस कारण जो है कि ब्रांस सबसे ज़्यादा नष्ट हो रहा है। एक जो है कि कटान, कटान से भी जो है कि ब्रांस को काफ़ी क्षति पहुँची वर्ष है जो उसमें ये करीब 2,04,138 रुपये का जो हमने फायदा मतलब हुआ जो गवर्नमेंट को जो है ना अन्य खर्चे निकालने के बाद पिछले वर्ष की पिछले वर्ष तो कम था, पिछले वर्ष 1,59,000 कुछ करीब था है ना, 1,00,000 तो ऐसा ही आ रहा है इसमें है ना, ये 68,358 इस बार इस साल 2,04,138 रुपये। हाँ बुरा जो आयुर्वेद में इसका वर्ण है, आयुर्वेद में इसका एक मेन तत्व तो जो इसमें है कि ये कैलेस्ट्रॉल नहीं बन रहता था, और दूसरा जो इसमें ये जैसे जिसमें आयरन बल खून की कमी है या आयरन की कमी है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। पहले तो पुराने लोग तो कच्चा ही काट के मतलब फूलों को ही जो है वैसे खा लेते, कच्चा ही खा लेते हैं, लेकिन अब ये है कि थोड़ा विज्ञान बढ़ गया तो अब जूस के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका मेन फायदा यह है कि कैलेस्ट्रॉल नहीं बन रहता, बीपी वगैरह को ये नियंत्रण रखता।